नमस्कार मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है लेकिन अब बारी है कि विभागों का बंटवारा कैसे किया जाए ऐसे में देखा जाए तो नाराज वसुंधरा राज्य सिंधिया पर एक बार फिर से सभी की नजरें टिक चुकी है क्योंकि दावे किए जा रहे हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह मंत्रालय को अपने पास रखा है वैसे ही भजन लाल शर्मा इस मंत्रालय को अपने पास सकते हैं लेकिन जानकारों की माने और साथ ही साथ यहां पर आ, कयास और अटकलों पर रुख कर लिया जाए दावे किए जा रहे हैं कि वसुंधरा राज्य सिंधिया के किसी एक विधायक को यह मंत्रालय मिल सकता है और बाकी का पूरा मंत्रिमंडल अपने इशारों पर चलाते हुए नजर आएंगे भजन शर्मा तो इसी पर हम सवाल लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कैसे देख रहे हैं आप क्या दोनों के ही यहाँ पर कड़े तेवर बगावती तेवर देखने को मिल सकते हैं और बीजेपी आला कमान दोनों ही दिग्गज नेताओं के लिए क्या कुछ सोच विचार करके बैठी है देखिए इस पूरे मामले पर अभी तक ना तो वसुंधरा राजे ने उस तरीके से खुल कर के विरोध दर्ज करवाया है और ना ही जो है बाबा बालकनाथ ने तो मुझे लगता है कि बीजेपी फ़िलहाल और साथ में जो तमाम भाजपा के बड़े लीडर हैं वो पूरी तरीके से इस समय जो है केंद्रित हैं 2024 के चुनाव को जीतने के लिए और बीजेपी ने इसी के लिए इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि बदलाव के तौर पर जो चेहरों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी है क्योंकि उनके जहन में पूरी से 24 का चुनाव है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2024 के चुनाव के बाद फिर से एक बार मंत्रिमंडल विस्तार में भी चेहरों को और ज्यादा बढ़ाया जाए और ऐसे में जो है वसुंधरा राजे खेमे को तो पहले भी तरजीह दी गई है लेकिन बाबा बालकनाथ जो सांसद कि सांसद रह चुके हैं हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है तब तो ऐसे में यह देखना होगा कि आखिरकार क्या चौबीस के चुनाव को लेकर के उनको इस्तीफा दिलवाया गया ताकि जो तैयारियों में पूरी तरीके से लगे रहें क्योंकि हम तब ये चर्चा कर रहे थे कि उन्हें जो है इस विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बना दिया जो या फिर मंत्री का जो है वो जाएगा लेकिन जिस जाए तरीके तो से दावे किए जा रहे दियामारी मंत्रालय चाहती है इसमें देखा जाए किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी शामिल है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय को कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा मोहन यादव की तरह रख सकते हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या फिर जिस तरह से अशोक गहलोत ने वित्त मंत्रालय अपने पास अपने पास रखा रखा गृह मंत्रालय अपने अपने इस तरीके से रख सकते हैं या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया ने कार्यकाल में वित्त मंत्रालय अपने पास रखा गृह मंत्रालय उन्होंने गुलाब चंद कटारिया को सौंप दिया और ऐसे में देखा जाए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के किसी विधायक को उनके कैंप को दिया जाएगा और बाकी के सभी मंत्रालय अपने हाथों में रखेंगे भजन लाल देखिए गृह मंत्रालय ज़्यादातर राज्यों में अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं कही मुख्यमंत्री के पास ही रहता मुझे लगता है कि आ, राजस्थान में भी स्थिति वही रहेगी जहाँ तक बात वसुंधरा राजे के विधायक को देने की है तो ये तय करता है कि जब मुख्यमंत्री बदला जाता है किसी भी प्रदेश का तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कैबिनेट बनाता अपने हिसाब से चेहरों को तय करता है और केंद्रीय नेतृत्व का भले ही उसमें एक दाव पेज ज़रूर नज़र आता है लेकिन मुझे लगता है कि भजन लाल जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि उनको इतनी तो छूट होगी कि वो अपनी कैबिनेट अपने तरीक़े से जो है डिसाइड करे और जहाँ तक गृह मंत्रालय की जो बात है वो भजन लाल हो सकता है कि खुद अपने पास रखें फिलहाल देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कयास और अटकले अब भी तेज हैं अब आने वाले समय में देखना होगा क्या वाकई में भजन लाल शर्मा गृह मंत्रालय को अपने पास रखेंगे या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को सौंपते हुए नजर आएंगे बीजेपी आलाकमान के फैसले के मुताबिक इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़